विल क्रिएट हियर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है वेरिएबल्स, जो अभी तक हमने वो भी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो अभी उसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पर स्कोर बोर्ड दिखना चाहिए। तो सिंपली मैंने जैसे आपको दिखाया था जब प्रोग्राम में कि कैसे स्कोर बोर्ड दिख रहा है, राइट। तो अब मैं जाऊंगी यहाँ पर स्कोर बोर्ड दिखी, तो सिंपली आई क्लिक ओवर हियर, तो यहाँ पर स्कोर बोर्ड आ चुका है। अब मुझे इंस्ट्रक्शन देना है गेम के अंदर कि अगर जब ये स्कोर बोर्ड प्ले हो तो इट विल शो दिस। तो मैं चाहती हूँ बॉल पे ही हम लोग क्लिक करते हैं, ओके इट विल शो हियर एंड नाउ। अब बॉल पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे क्योंकि स्कोर बोर्ड प्ले, जब बॉल बाउंस होगा तभी हमारा स्कोर यहाँ चेंज होगा। तो विल डू दैट एंड विल गो चेंज द स्कोर बाय वन। तो आई विल यूज दिस, जब भी वन चेंज स्कोर, तो स्कोर चेंज करता रहे, जब भी मेरा बॉल बाउंस होके इस ग्रीन पैड, तो स्कोर क्या होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए, राइट। तो अब इसको इंस्ट्रक्शन अभी जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कि डिस्प्ले करना है, तो मेरे स्क्रीन में वो जो ब्लॉक है मैंने यहाँ से यूज किया लेफ्ट से, एंड आई विल यूज एंड इट जस्ट सिंपली क्लिक और वो शो हो गया। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ये परमानेंट रहना ही चाहिए, ओके। तो सिंपली आई क्लिक ओवर योर स्कोर बटन पे, तो मेरा जो ब्लॉक है वो यूज किया एंड यार यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी, अब मैंने ये गेम के अंदर क्यों डाला, क्योंकि जब भी मेरा बॉल बाउंस होगा तो ये कंटिन्यू तो टच होगा, तो स्कोर यहाँ चेंज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैंने लिया चेंज स्कोर, मतलब जब भी प्ले करूँ तो चेंज होता रहना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया पहले कि गेम देखो मैं जब रीस्टार्ट करती थी फिर से जीरो से भी स्टार्ट होता था, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पर चेंज वाला ब्लॉक यूज करना है और इंसर्ट करना है हमारे यहाँ पर बॉल के स्प्राइट में, सो डैट क्योंकि हम बॉल्स के साथ इसका इंस्ट्रक्शन कमांड चलेगा, क्योंकि बॉल्स को जब पैडल एंड रेड लाइन को टच, तो तीनों को क्या फॉलो करना, अगर ग्रीन पैडल को टच कर रहा है तो मेरा स्कोर बढ़ेगा, अगर ये बॉल बाउंस होके कहाँ टच हो गया रेड पे, तो मैंने रेड पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि स्टॉप हो जाना। तो यहाँ पर स्टॉप ऑल, तो मतलब गेम गेट ओवर, तो गेम ओवर हम कैसे यूज करेंगे वो हमने यहाँ पर सीख लिया। अब मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि स्कोर, और मैं चाहती हूँ कि अब ये जो है स्कोर बोर्ड, इसको भी इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि स्कोर जीरो से स्टार्ट करना है यू, तो ये रिसेट करना पड़ेगा स्कोर, क्योंकि अगर मैंने यहाँ रिसेट कमांड नहीं दिया तो ये जो भी स्कोर ले रहा है यहाँ पर चलेगा। तो आई वॉन्ट टू यूज रिसेट ऑल्सो, तो मैं जाऊँगी इवेंट एंड आई विल टेक वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक एंड देन आई विल गो सेट स्कोर। अभी हमने पहले लिया चेंज, तो यहाँ पर चेंज होते जाना चाहिए, जैसे हिट होता जाएगा तो चेंज। अब मैं चाहती हूँ कि वो सेट स्कोर, जैसे मैंने इसमें बताया कि सेट स्कोर भी होना चाहिए, राइट। तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे ग्रीन फ्लैग, तो जब मेरा गेम ओवर हो जाए तो सेट स्कोर, मतलब फिर से हमें जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये इस तरीके से कमांड फॉलो होगा, देखिए अभी सिंपली आई क्लिक, अब मेरा स्कोर जीरो हो गया, तो सेट जीरो कर दिया उसने मेरे गेम का स्कोर। अब मैं जैसे ही सिंपली प्ले कर रही हूँ तो देखिए कैसे बाउंस हो रहा है, राइट। अब मैंने इसको लेफ्ट कर दिया है, आई डोंट वांट की हो, तो देखिए आउट हो गया एंड चेंज स्कोर, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया और वापस ये चेंज होता है, जैसे जैसे हिट होता जा रहा है मेरा स्कोर यहाँ चेंज हो रहा है, तो वो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। और जैसे ही मेरा गेम हो रहा था रीसेट स्कोर बाय जीरो, तो यहाँ पर मैंने इसलिए जीरो लिया है ताकि ये ब्लॉक से रीसेट हो जाए मेरा स्कोर। तो ये आपको यहाँ पर जो मेन्यू है, जो मैंने इंस्ट्रक्शन एरिया में दिया, वहां से ये ले लेगा, फिर से जीरो करके रीस्टार्ट कर देगा गेम, ओके। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे, अभी आपने देख लिया कि कैसे गेम का स्कोर बोर्ड यहाँ लाना है, कैसे स्टॉप करना है। तो ये हमारा एक गेम बन चुका है एंड दिस इज द वे वी कैन यूज एंड वी कैन प्ले द गेम।